नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों से ऑप्शन बाइंग एक बहुत ही फेमस और बहुत ही लुक्रेटिव तरीका बन गया है, लेकिन जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं क्या उन्हें एक्चुअल में पैसा बन रहा है? इसका जवाब है नहीं। ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बनता है और वहाँ पे केवल नुकसान और नुकसान होता है। प्रॉफिट भी होता है लेकिन ज़्यादा चांसेज नुकसान का होता है। वहीं पे ऑप्शन सेलिंग एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जहाँ से, जिसको ऑप्शन राइटिंग भी बोलते हैं, जहाँ से आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। हालांकि इसमें रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है, हाई रिस्क हाई गेन का सौदा होता है। ऑप्शन बाइंग में जहाँ लो रिस्क और हाई गेन का चांसेज होता है, वहीं पे ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन राइटिंग में एक प्रॉफिट का जो चांसेज है एक लिमिटेड होता है और रिस्क का चांसेज बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन पैसा अगर बनता है तो ऑप्शन राइटिंग में बनता है। अब ये ऑप्शन राइटिंग है क्या, या इसको हम लोग ऑप्शन सेलिंग कहते हैं, और इसके फायदे क्या हैं? ऑप्शन जैसे आप बाय करते हैं कॉल या पुट बाय करते हैं, ये ऑप्शन बाइंग हुआ। लेकिन क्या हो अगर हम ऑप्शन को सेल कर दें, कॉल को सेल कर दें, पुट को सेल कर दें? और ये स्ट्रेटेजी में ज़्यादा लोग सोचते हैं कि इसमें 3 लाख 4 लाख पैसा लगेंगे। ऐसा नहीं है, इसमें 30,000 से भी 40,000 से भी आप ऑप्शन को राइट कर सकते हैं, जिसे ऑप्शन राइटिंग कहते हैं। तो इससे आपको करना क्या होगा, कैसे, इसमें क्या फ़ायदे हैं? पहले आपको 30-40 हज़ार में बाय करने के लिए क्या करना होगा ये बताते हैं। आपको कोई भी ऑप्शन, मान लीजिए कॉल है या पुट है, पहले आपको बाय करना है। पहले कॉल आप बाय कर लिए, अब इसी का पुट को आप सेल कर देंगे, तो उससे क्या होगा? अगर कॉल आप बाय कर रहे हैं, मान लीजिए 1 रुपये का कॉल आप बाय कर दिए, 1.5 रुपये 2 रुपये का कॉल बाय कर दिए, उसके बाद आप इसका पुट को अगर सेल करेंगे तो आपका कॉस्ट जो है कम पड़ेगा। ये जहाँ पे आप अगर पुट को, कॉल को सेल करने जाएंगे या पुट को सेल करने जाएंगे, तो आपको 2 से 3 लाख रुपया खोजेगा ब्रोकर आपका। लेकिन अगर आप पहले कॉल को बाय कर लिए, उसके बाद आप कॉल को सेल करने जाएंगे, तो आपका 30-40 हज़ार रुपये में भी आपका बाइंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हेजिंग हो जाता है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं ऑप्शन सेलिंग के, जिसे ऑप्शन राइटिंग कहा जाता है? पहला फ़ायदा है कि टाइम डिके होता है। ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा नुकसान क्या है? टाइम डिके होता है। प्रीमियम जो होती है, मान लीजिए 100 रुपये का प्रीमियम है, वो डिके होने लगता है। आज 100 रुपये है, कल इसी प्रीमियम का प्राइस हो जाएगा 90 रुपये, उसके नेक्स्ट डे हो जाएगा 80 रुपये, उसके नेक्स्ट डे हो जाएगा 70 रुपये। ये मार्केट बढ़ रहा है लेकिन आपका प्रीमियम डिके होते रहता है, क्योंकि यहाँ टाइम वैल्यू होता है। जैसे जैसे टाइम घटता है वैसे वैसे ये प्रीमियम भी घटते रहता है। तो जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नज़दीक होंगे, जैसे एक्सपायरी आप जानते हैं हर वीक में एक्सपायरी होता है, हर वीक के थर्सडे में एक्सपायरी होता है, तो थर्सडे को जो प्रीमियम 100 रुपये का था मंडे को, वो थर्सडे को 0 हो जाता है। इसी का फ़ायदा आपको लेना है ऑप्शन राइटिंग में, जिसे टाइम डिके का फ़ायदा बोल सकते हैं। जैसे आप 100 रुपये में कोई सौदा को सेल किए हैं, बहुत ज़्यादा चांसेज है कि मंडे तक, थर्सडे तक वो एक्सपायरी डे में वो 0 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आप 100 रुपये का अगर कॉल को सेल करने जाएंगे, राइट करने जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। तो आपको क्या करना है, 20 रुपये वाले या 10 रुपये वाले कॉल को सेल करना है, दूर के कॉल को सेल करना है, जिसे आउट ऑफ द मनी कहते हैं। अब आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी, ये सारा हमने वीडियो पे बनाया है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं जो दूर का सेल है, आउट ऑफ द मनी का कॉल है, 10 रुपये वाले
₹20 वाले, पहले आप ₹10 वाले कॉल को सेल करिए, तब वहाँ से क्या होगा, ये धीरे धीरे जीरो हो जाएगा, तो उसका फ़ायदा आपको दिखने लगेगा। तो पहला फ़ायदा क्या है, टाइम डिके, एक्सपायरी आते आते जीरो हो जाएगी कॉल, और जो आप ₹100 जो लगाए थे या ₹10 लगाए थे या ₹20 का जो कॉल राइट किए थे, वो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेज है, 99% चांसेज है कि वो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए पहला फायदा है टाइम डिके। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ जैसा अभी हम बताएं 99% है प्रोबेबिलिटी, क्यों, क्योंकि उसको जीरो होना ही है, तो आप वैसे कॉल को सेल करेंगे आउट ऑफ द मनी कॉल को जो ₹10 के होंगे, जो ₹20 के होंगे, क्योंकि थर्सडे आते आते वो जीरो होना ही है, तो आपका वो टाइम डिके का फ़ायदा हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 99% प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे प्रॉफिट होगा। तीसरा फायदा क्या है, ये इनकम जनरेशन हो जाता है। एक इनकम जनरेशन कैसे होगा, बहुत सारे लोग जैसे दो तरीके से काम करते हैं, जो टाटा स्टील का लॉट है 5000 का, तो टाटा स्टील का फ्यूचर को भी बाय कर लिए और टाटा स्टील के कॉल को भी सेल कर दिए, तो मंथ एंड आते आते क्या होगा, टाटा स्टील का जो फ्यूचर है वो ₹130 भी टाटा चल रहा है टाटा स्टील, तो आते आते वो 135-135 या जो भी हो 125 हो, लेकिन जो आप कॉल को सेल किए हैं जिसका प्राइस मान के चलिए ₹10 था, 5000 का लॉट था, तो एक्सपायरी आते आते ये जीरो होना ही है, तो आपको बैठे बैठाए इनकम अगर 5000 का लॉट साइज है और ₹10 का कॉल को आप सेल किए थे, तो बहुत ज़्यादा चांसेज है कि वो नीचे आ जाएगा, आपको यहाँ पे बैठे बैठे 50000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस स्ट्रेटेजी में आपका जो एक इनकम जनरेशन का एक तरीका बन सकता है। नेक्स्ट क्या फ़ायदा है, न्यूट्रल मार्केटिंग। न्यूट्रल मार्केट में भी जैसे मार्केट आप तीन तरीके से होते हैं आप जानते हैं, साइडवेज मार्केट होता है, अप ट्रेंड मार्केट होता है, डाउन ट्रेंड मार्केट होता है। तो अप ट्रेंड मार्केट में पैसा हो सकता है आपका कॉल सेलिंग किए, कॉल राइटिंग किए नहीं बने, ऑप्शन सेलिंग करें जो डाउन ट्रेंड में है वहाँ पे पैसा बनने के चांसेज है, लेकिन और एक चांसेज है न्यूट्रल मार्केट। न्यूट्रल मार्केट में क्या होता है, ना कॉल का प्रीमियम बढ़ता है ना पुट का प्रीमियम बढ़ता है, वो केवल डिके होता है। तो न्यूट्रल मार्केट में सबसे बेस्ट है ऑप्शन राइटिंग के लिए, और जब जब न्यूट्रल मार्केट होता है 2024 में मार्केट, 2023 में मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और 2023 में बहुत ज़्यादा चांसेज है कि मार्केट में इस तरह का ट्रेंड, न्यूट्रल ट्रेंड बहुत जगह बहुत टाइम पे आए, अप या डाउन ट्रेंड का टाइम बहुत समय आए, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन भी है, तो उसका भी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्या है, लोअर वॉलेटिलिटी एक्सपोजर यहाँ पे आपको है। लोअर वॉलेटिलिटी एक्सपोजर का मतलब क्या हुआ, यानी आप कॉल को भी बाय कर लिए हैं और पुट को भी सेल कर दिए, कॉल को सेल भी कर दिए, तो दोनों तरीके से आपका वॉलेटिलिटी जो है, एक्सपोजर जो है वो आपका कम हो जा रहा है, यानी कॉल को सेल, कॉल को बाय किए हैं तो वहाँ पे अगर मार्केट बढ़ रहा है तो वहाँ पे फ़ायदा हो जाता है, और अगर कॉल को सेल किए हैं तो जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, कॉल को राइट किए हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट आ रहा है। रेंज बाउंड मार्केट में भी इसका फ़ायदा है। रेंज बाउंड जैसा अभी बताएं कि न्यूट्रल मार्केट या रेंज बाउंड मार्केट भी बोल सकते हैं। रेंज बाउंड मार्केट किसे बोलते हैं कि ₹15-₹20 मार्केट 15 पॉइंट 20 पॉइंट 50 पॉइंट बढ़ा है और फिर वही उससे ना तो बढ़ता है ना गिर रहा है, तो उससे रेंज बाउंड मार्केट आप कर सकते हैं कि 0 से ₹50 या 0 से ₹25 25 पॉइंट 10 से 25 पॉइंट 10 से 50 पॉइंट बहुत ही कम रेंज में मार्केट घूम रहा है, उस समय कॉल राइटिंग का अच्छा अपना फ़ायदा है क्योंकि टाइम डीके उस समय ज़्यादा होता है। लेस प्राइस सेंसिटिव, अब जैसे कॉल को आप जो आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेज है कि वहाँ पे कोई एक्शन देखने को नहीं मिलता है, और वो रीज़न वही रीज़न है आपको
प्रॉफिट होने का, क्योंकि वो जीरो होना ही है, उसे थर्सडे के लास्ट आते आते उसे जीरो होना ही है, और इसीलिए लेस प्राइस सेंसिटिविटी का भी फ़ायदा आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपको क्या फ़ायदा है, फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से है, आप कॉल को से भी बाय कर लिए हैं और कॉल को सेल भी कर दिए, तो दोनों तरफ से आपका फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मिलेगा, फ़ायदा दोनों तरफ से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल मेथड ऑफ रिस्क कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मल्टीपल मेथड्स होंगे जहाँ पे आपको, जैसे कि कॉल को भी बाय कर लिए, कॉल को भी सेल कर दिए, फ्यूचर को बाय कर लिए, कॉल को सेल कर दिए, इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रेटेजी हैं जहाँ से कॉल्स राइटिंग करके अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। और सबसे जो फेमस है वो है हेजिंग, और जिससे अभी हम बता रहे थे कि फ्यूचर को आप टाटा स्टील का फ्यूचर को आप बाय कर लिए हैं और कॉल को आप सेल कर दिए, तो यहाँ पे ये हेजिंग कहलाता है। तो फ्यूचर टाटा स्टील का प्राइस अगर अप हो रहा है तो आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा, और जैसे जैसे मंथ का एक्सपायरी होगा तो वहाँ पे आपका जो कॉल सेल किए हैं उसका प्राइस घटता रहेगा, जीरो होता रहेगा, तो इसका फ़ायदा आपको हेजिंग से होगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा ऑप्शन सेलिंग, जिसे ऑप्शन राइटिंग कहते हैं, कितना ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडर के लिए। अगर आपको पैसा कंसिस्टेंट बनाना है, पैसा अगर सही से बनाना है, तब आपको ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन राइटिंग ही एक तरीका है जो मार्केट में आपको सर्वाइव करेगा। ये तरीका को, इस तरीका से आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन बाइंग करके बहुत ज़्यादा दिन आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे टाइम डिके है, आप उस चीज़ से नहीं लड़ सकते हैं मार्केट में, इस चीज़ को जानना होगा। और जो लोग इसको जान जा गए हैं वही मार्केट पे पैसा कमा रहे हैं, वही मार्केट पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।